छठ पूजा के बाद बहुत सारे पके हुए केले जो थे वो घर पे थे, तो मैं सोची क्यों ना इसकी मैं मिल्कशेक बना दूँ। तो बस कटा हुआ केला मैं उसमें डाल दी हूँ और कुछ मनपसंद ड्राई फ्रूट, साथ ही एक हरा इलायची भी डाल दी हूँ और ठंडा एकदम ठंडा दूध मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहे तो इस जगह दही डाल सकते हैं। और मैं एक चम्मच ही चीनी डाल रही हूँ, केला जो बहुत पक जाने से काफ़ी मीठा हो जाता है तो चीनी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और जस्ट मैंने ब्लेंड कर दिया और ये देखिए कितना बढ़िया जो है मिल्कशेक, बनाना मिल्कशेक जो है विद ड्राई फ्रूट्स एकदम बहुत बढ़िया से रेडी हो गया है और काफ़ी टेस्टी बना। इसको जो मैं ड्राई फ्रूट साथ में जो मखाना डाली ना तो और भी टेस्टी बन गया और बच्चों को भी बहुत पसंद आया। ऊपर से मैं डेकोरेट कर दे रही हूँ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालकर, लाइक छुहाड़ा है, किशमिश है, कैश्यू नट्स है, आपको जो भी पसंद है ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं और आप इसे अब इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत कॉमन रेसिपी है बट बहुत टेस्टी लगती है। होप आप ये रेसिपी भी इन्जॉय करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।